The quality and the taste is superb and the best I have ever tried. पूरे वन वीक के लिए ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आज मुझे ये एज ए ट्रीट देने आए हैं। टेस्ट वाज ऑसम, बहुत टेस्टी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विजय हॉट डॉग कार्ट पे लाया हूँ। ये कृष्णा नगर में है, आइए उनके ओनर से बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय हुआ, मेरे ब्रांड नाम विजय हॉट डॉग है, जो कृष्णा नगर विजय चौक पंजाब नेशनल बैंक के बगल में है, ईस्ट दिल्ली में, कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली। जो मेरे ब्रांड है वो मैंने हॉट डॉग और बर्गर बेसिकली लगाता हूँ, जो मेरा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, ये बेसिकली सबसे हट के लगाता हूँ। सब टिक्की यूज करते हैं और कुछ यूज करते हैं। मेरे पास मिक्स वेज स्टफिंग जो आप सामने देख रहे हैं वो बंतवर मिक्स वेज स्टफिंग है। मेरी बंद भी अपने ऑर्डर से रेडी होता है, और जो भी है मैंने बटर फुली क्लासिकल बटर यूज़ करता हूँ, अमूल का और गार्लिक का, जो बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। ऐसे 10 साल पहले से मैंने गार्लिक बटर यूज कर रहा हूँ, और विशेष जो बना रहा हूँ सो आप देखिए, जो डबल चीज़ ट्रिपल चीज़ पनीर हॉट डॉग खिला रहा हूँ सर को। तो दोस्तों, जैसा विजय जी ने बताया, मैंने ट्रिपल चीज़ हॉट डॉग जो है यहाँ पे ऑर्डर किया है। जो इनका मेकिंग है दोस्तों, वेज जो ये मसाला बनाते हैं काफ़ी यूनिक है। भैया ने इसमें काफ़ी मात्रा में पनीर डाला था, और ये देखिए हमारा हॉट डॉग आ चुका है, और अब भैया इसमें जो है फिलिंग भरेंगे, और ये फिलिंग जो है दोस्तों काफ़ी यूनिक तरीके से बनाई है। आइए देखते हैं फिलिंग। सबसे पहले भैया इसमें हरी चटनी लगाने वाले हैं, हरी चटनी सारे लगा दिए, क्योंकि ऑर्डर काफ़ी इनके पास आता रहता था, अकेले मेरे लिए नहीं बना रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया ने जो है अपने जो इस स्टफिंग को है काफ़ी अच्छे मात्रा में डालते हैं, और ये इन्होंने लाल चटनी लगा दिया जो कि ऊपर वाले हॉट डॉग के बन पे लगेगा। और उसके बाद भैया जो है थोड़ी मात्रा में जो है प्याज डालेंगे, और ये देखिए दोस्तों प्याज डाल दिया भैया ने, और टमाटर डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा पनीर का पीस अलग से भी डाला है, यानी कि माल बहुत ज़्यादा डालते हैं, इसी कारण से दोस्तों ये काफ़ी फेमस है। अब भैया ने चाट मसाला डाला है जो कि काफ़ी टेस्ट बढ़ा देता है, और भैया ने साथ में फिर जो है नींबू के रस को भी डाल दिया है, और ये नींबू का रस थोड़ा खट्टापन लाता है जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब भैया ने जो है तंदूरी मेयोनीज को भी डाला, और टेस्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आ गई बारी है चीज़ लगाने की, तो ये देखिए चीज़ लगा रहे हैं भैया, और इसीलिए ये फेमस है इनका ये डिश, क्योंकि ये लगाते हैं इस पर ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब तीन चीज़ लगाते हैं दोस्तों। अब ये भैया ने जो है फिलिंग बनाई थी, अब फिलिंग को जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं, और उसके बाद जो है भैया इसको पेस्ट करेंगे अच्छे से, और करने के बाद जो है ये नहलाया जाएगा बटर से। तो आइए हम देखते हैं बटर में इसको कैसे नहलाते हैं। ऐसा नहलाना नहीं कहते दोस्तों, मतलब तलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए भैया ने जो है इस पर और चीज़ लगा दिया है, ये देखो दोस्तों। अब हमारा जो हॉट डॉग है दोस्तों ये रेडी हो गया है बटर से नहाने के लिए, और भैया ने जो है पूरे इसको अब जो है बटर से नहलाना शुरू कर दिया है, मतलब सेकना शुरू कर दिया है। तो आइए, हमारा हॉट डॉग रेडी होने जा रहा है, और जिसका नाम क्या है, ट्रिपल चीज़ हॉट डॉग। तो आइए देखते हैं इसकी मेकिंग। दोस्तों ये हॉट डॉग जो है आपका पैकिंग सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है, आप पैक करा सकते हो, जोमेटो स्विगी या अदर जो ऐप है आप उनसे जो है ऑर्डर भी करा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, और ये पैक होके रेडी हो गया है दोस्तों। एक्चुअली मैं जो हूँ ट्रैकिंग के लिए जा रहा था, तो इसलिए अपनी मिसेज को एक ट्रीट देने के लिए यहाँ पर आया था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और अब देखिए हमारा ये हॉट डॉग रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लजीज लग रहा है दोस्तों। ये देखिए चीज़ क्या निखर कर आया है दोस्तों,
ये आपको कृष्णा नगर में मिलेगा। आइए यहाँ पे एक कस्टमर मिले मुझे, इनसे रिव्यू लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे परमानेंट आते हैं। मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, इनका नाम विजय हॉट डॉग है और मैंने यहाँ पर आज ट्रिपल चीज बर्गर ट्राई किया है एंड द क्वालिटी इज सुपर सुपर अमेजिंग। और ये जो चीज़ यूज़ करते हैं बिल्कुल फ्रेश होती है, बिल्कुल भी पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं होती एंड द क्वालिटी एंड द टेस्ट इज सुपर्ब एंड द बेस्ट आई हैव एवर ट्राइड। एंड मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप एक बार यहाँ आए और इनका कोई भी चीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए। एवरीथिंग इज़ द बेस्ट, आई मस्ट से एवरीथिंग इज़ द बेस्ट हेयर एंड द क्वालिटी एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। थैंक यू।